टीव्हीला सबस्क्राइब करा. सबस्क्राइब करण्यासाठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि पहा नवी मुंबई व ठाण्याच्या ताज्या बातम्या. तसेच शेअर आणि लाईक करायला विसरू नका. खारकोपर में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया. उद्घाटन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई मान्यवर नेता उपस्थित हुए. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किए. मध्य रेलवे के चौथे कॉरिडोर माने जाने वाले नेरुल उरण सेक्शन में 12 नवंबर से रोजाना 10 लोकल सेवाएं चलने लगेंगी. यह सेवा इस सेक्शन के पहले फेज नेरुल से खारकोपर तक चलेगी. इन सेवाओं के अलावा बेलापुर सीबीडी से खारकोपर के बीच भी रोजाना 10 सर्विस चलेंगी. इन सारे नए स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं. लोगों के चलने की सुविधा के लिए ब्रिज और लिफ्ट का भी निर्माण किया गया है. यह काम सिडको और भारतीय रेलवे विभाग के द्वारा पूरा किया गया है. फेज टू में खारकोपर के बाद उरण तक कुल 15 किलोमीटर का हिस्सा बचेगा. इस हिस्से का काम पूरा करने के लिए 2 साल और लगेंगे. यह काम 2020 तक पूरा होगा. विकास तब प्रदेश का विकास तेज गति से होता है, उसका आज का ये कार्यक्रम एक जीता जागता प्रतीक है. और मैं समझता हूँ यहाँ सभी महानुभाव जो उपस्थित हुए हैं सबके ध्यान में है कि आज का कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये दर्शाता है कि काम करने की गति कैसे तेज करी जा सकती है, कैसे समय के पहले भी काम किया जा सकता है. मैं अभी देख रहा था जो विद्युतीकरण का काम आज यहाँ पे समाप्त हुआ है, जिसका लोकार्पण हम कर रहे हैं, वो विद्युतीकरण का काम पनवेल से पेन का वास्तव में जुलाई 2019 को खत्म होना था. जुलाई 2019 को खत्म होने वाला काम अक्टूबर 2018 में खत्म करना, यानी 9 महीने पहले, अपने आप में भारतीय रेलवे हो या सरकारी कामों के लिए एक नया दिशा दिखाता है. भारतीय रेल्वेचं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करेन की आज वेगवेगळ्या प्रकल्पांचं या ठिकाणी उद्घाटन आणि भूमिपूजन हे होत आहे. आणि अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर हे काम या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि विशेष करून पीयूषजींनी जसा उल्लेख केला, साधारणपणे रेल्वे किंवा देशातल्या सरकारी प्रकल्प उशिरा होण्याची परंपरा अनेक वर्ष आपण बघितली, पण वेळेच्या आत प्रकल्प पूर्ण करण्याचं काम या ठिकाणी होत आहे. आणि म्हणून मी रेल्वे मंत्र्यांचं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो. उल्वा नोड परिसराची दिवाळी आहे आणि या दिवाळीच्या मंचावरच्या आणि आपल्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो. दिवंगत लोकनेते दिवा पाटील साहेब यांची भूमी, स्वर्गीय जनार्दन भगत साहेब यांची भूमी, की या भूमीच्या माध्यमातून मी मुख्यमंत्री महोदयांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. गाड़ी, उपनगरीय गाड़ी, सबसे सर्वप्रथम गाड़ी जो आज चलेगी, हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय रेल एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, माननीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्याम गीते जी, और ये गाड़ी रवाना हो चुकी है. जोरदार तालियों से इस ऐतिहासिक क्षण का स्वागत करें. खारकोपर से निकल गई ये पहली गाड़ी. इस वक्त मैं खारकोपर स्टेशन पे मौजूद हूँ. यहाँ पे पहली ट्रेन रवाना हुई है. देवेंद्र फडणवीस, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी देकर पहली ट्रेन को रवाना किए. आप सब आज गवाह हैं एक ऐतिहासिक क्षण का, जहाँ पर इस खंड में सर्वप्रथम उपनगरीय गाड़ी चली है. और ये गाड़ी तो हरी झंडी दिखाया है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी एवं अन्य मान्यवरों ने इस मंच से. और ये तोहफा है, दिवाली का ये तोहफा है आप यात्रियों के लिए, जनता जनार्दन के लिए, मध्य रेल और सिडको की ओर से, भारतीय रेल की ओर से.
आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह गाड़ी स्टेशन से छूट कर जा रही है। 15 रुपए 14 रुपए पता नहीं खत्म ही नहीं हो रहा। मध्य रेल की उपनगरीय गाड़ी मेल तो नहीं। इस गाड़ी के चलने से इस खंड पर उपनगरीय गाड़ियों का। कैमरामैन सैयद के साथ खुशनुमा हक की रिपोर्ट। FX TV ला सब्सक्राइब करा। सब्सक्राइब करण्यासाठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि पहा नवी मुंबई व ठाण्याच्या ताज्या बातम्या। तसेच शेअर आणि लाईक करायला विसरू नका।